देखिए मैसेज तो लाउडर और क्लियर है कि इस समाज को प्रेम भाईचारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सौहार्द बढ़ाने की ज़रूरत है। इस सौहार्द और प्रेम को बढ़ाने के लिए विश्व शांति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अगर ये आयोजन हमारे धरती से हो रहा है तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है समाज के प्रति कि हम नफरत के खाई को पाटें और प्रेम का जो फिज़ा है वो बनाने का काम करें। बहुत ही एक अच्छी पहल है, विश्व शांति सम्मेलन पीस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। सिर्फ गया में ही नहीं, सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे देश विदेश में एक शांति का प्रतीक गया के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगा, जिसमें जैन समाज से लोकेश मुनि जी आ रहे हैं, जिसमें सनातन धर्म से श्री श्री रवि चार्य जी आ रहे हैं, सिख समाज से सूरज सिंह नलवा जी, परमपाल सिंह जी, इस्लाम धर्म से मदनी साहब आ रहे हैं, क्रिश्चन से फादर साहब आ रहे हैं, और भी अनेकों जो धर्म विद्वान लोग हैं वो अपने अपने संदेश को लेते हुए देश विदेश से गया की धरती पर गांधी मैदान में अपने माध्यम से एक शांति का प्रतीक, मोहब्बत का पैगाम लोगों तक पहुंचाएंगे। और ये बहुत ही एक अच्छी पहल है, और ये मुझे लगता है कि गांधी मैदान में इस तरीके से लोगों की जो भीड़ रहेगी उस जिसका कोई हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। 18 तारीख को कवि सम्मेलन हो रहा है और 19 तारीख को बॉडी बिल्डिंग का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जो पीस कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है 17 तारीख को, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी है, और संरक्षक के रूप में जीतनराम मांझी जी है, और अनेकों मंत्री, अनेकों विधायक और सभी नेतागण उपस्थित रहेंगे। मैं अंकुश बग्गा, अधिवक्ता सह सामाजिक कार्यकर्ता।